हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनीत मानस ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में कि G20 समिट बेसिकली है क्या, कौन सी कंट्रीज़ इस G20 समिट का हिस्सा है, डिसीजन मेकिंग इन G20 समिट ड्राइव एंड हाउ इंडियन यूपी इज़ बूमिंग इन टू द मार्केट। सबसे पहले हम जानते हैं कि G20 समिट के बारे में। तो बेसिकली G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें कि पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड और 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। बेसिकली G20 को एड्रेस किया जाता है टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन। मीन्स कि कैसे हम अपने देश को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड लेस डिपेंडेबल बना सकते हैं। इसके लिए जौन सी कंट्री को प्रेजिडेंसी दी जाती है उस कंट्री में मीटिंग शेड्यूल होती है, जिसमें कि प्रेजिडेंसी कंट्री में अपने फ्रेंड कंट्री जो G20 का हिस्सा ना हो उनको भी एज अ गेस्ट इनवाइट कर सकती है। और भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE को एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है इस G20 समिट की मीटिंग्स में। डिसीजन मेकिंग ड्राइव में बेसिकली तीन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, प्रीवियस कंट्री जो कि थी इंडोनेशिया, करंट कंट्री जो कि है भारत और नेक्स्ट कंट्री जो कि होगी ब्राज़ील। अब जैसे रशिया यूक्रेन वार को कंसीडर करें तो यूक्रेन वीट का 7th लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज भी इम्पोर्ट करती हैं। और रशिया यूक्रेन वार में यूरोपियन कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं, क्योंकि उनके दो मेजर इम्पोर्टर हैं रशिया और यूक्रेन। रशिया पे ऑलरेडी US ने अपने डॉलर की ताकत दिखाते हुए रशिया पे सैंक्शंस पे सैंक्शन लगा दिए, ताकि कोई भी उनसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना कर सके। इसलिए इंडियन रुपए को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग और भी स्टेबल बनाने के लिए भारत UPI को ग्लोबली लॉन्च कर चुका है, जिससे कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, UAE, मलेशिया, फ्रांस और भी कंट्रीज़ में UPI की सर्विस अवेलेबल होंगी। इससे इंडियन रुपये और भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड आने वाले टाइम में इंडिया टॉप लीडर्स में गिना जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड GDP ग्रोथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।